कि जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन होता था उस पर ब्लैंकेट ऑर्डर यानी कि पूरी तरीके से उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि इसको लेकर के दिशा निर्देश गाइडलाइंस बनाए। हमारे साथ इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील डीके शर्मा जी आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में जो अक्टूबर 2017 में एनजीटी ने फैसला दिया था कि जंतर मंतर पर कंप्लीट टोटल बैन रहेगा, उसको अमान्य घोषित किया है और उसको सेट असाइड किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान में हर व्यक्ति को धरना प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन जो सरकार के अधिकार हैं सर्वोच्च न्यायालय ने उनको भी पहचानते हुए, उनको रिकॉग्नाइज करते हुए कहा है कि सरकार इस बारे में अपने दिशा निर्देश लेट डाउन करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नियमों के मुताबिक ही जब धरना प्रदर्शन की इजाजत दी जाएगी तब नियमों के मुताबिक ही दी जाएगी। देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है और हर जगह यही होता है, कोई भी कार्य हो वो नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में भी ये कहा है कि धरना प्रदर्शन आप अवश्य करिए परंतु वो नियमों के अनुसार हो, और नियम बनाने की पावर वो हमेशा सरकार में रहती है और सरकार को ही निर्देश दिया है कि वो इस बारे में अपने नियम बनाए। सर, कितने दिन का वक्त दिया है दिल्ली पुलिस को कि वो गाइडलाइन दिशा निर्देश बनाए? सर्वोच्च न्यायालय ने 2 हफ्ते का टाइम दिया कि 2 हफ्ते में अपने दिशा निर्देश निर्धारित करें। तो जिस तरीके से एनजीटी ने जंतर मंतर पे पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन पे रोक लगा दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में दिशा निर्देश बनाए। अब देखने वाली बात होगी कि कितना वक्त दिल्ली पुलिस और सरकार लेती है इन दिशा निर्देशों को बनाए जाने के लिए। कैमरा सोगी गणेश के साथ राकेश, APN दिल्ली।